हेलो स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं बीएससी पार्ट वन में। प्राणी शास्त्र का पेपर थ्री आपका गैमेट एंड डेवलपमेंटलाइज्ड बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी। चैप्टर टू के अंदर हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है आपका युग्मक जनन का। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्री वाइटैलोजेनेसिस एंड वाइटैलोजेनेसिस। पित्त का निर्माण जिसको हम बोलते हैं, किस तरह से योग का फॉर्मेशन अंडे के अंदर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इवेंट्स हैं ओजेनेसिस के अंदर, इनको दो पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं प्री वाइटैलोजेनेसिस और एक को हम बोलते हैं वाइटैलोजेनेसिस। प्री वाइटैलोजेनेसिस का मतलब होता है ग्रोथ फेज के अंदर, जब प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। वो क्या चेंजेस होते हैं अंडे के अंदर? उसके अंदर न्यूक्लियर सब्सटेंस की ग्रोथ होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनते हैं। किस तरह से ग्रोथ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की होती है? ओसाइट इन ओसाइट सराउंडेड बाय नर्व सेल्स। मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था, जो ओसाइट होता है उसके चारों तरफ से नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। ओसाइट न्यूक्लियस स्वेल एंड क्रोमोसोम बिगिन टू इलांगेट, सच ए क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ओसाइट की न्यूक्लियस स्वेल होती है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स बड़े होने चालू हो जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स का नाम होता है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। वेयर इज इन द ओसाइट सराउंडेड बाय द नर्व सेल द लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट। जिनके अंदर लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं एंड द न्यूक्लाई ऑफ द नर्व सेल एनलार्जेस, इट बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड सिंथेसिस द जीन प्रोडक्ट दैट इज मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन व्हिच आर स्टोर्ड इन द ओसाइट साइटोप्लाज्म। उन केस के अंदर ये ओसाइट साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओसाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन यंग ओसाइट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट एट द पेरिफेरी बट इट ग्रोज एंड डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। पहले पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं। During growth, mitochondria segregates and form a mitochondrial clouds. ये अलग होके एक क्लाउड सा बना लेते हैं। And mitochondria arises either from, कहाँ से mitochondria कहाँ से बनते हैं? From the replication of the circular DNA or from the nerve cells migrating down the nutritive cord into oocyte cytoplasm. Cortical granules कहाँ से बनते हैं? These are membrane-bound spherical bodies of the diameter 0.8 to 2 micron. Formed from the cisternae of the Golgi apparatus, initially they lie inside the cup-shaped spaces formed by the Golgi membranes, then move to the periphery and get arranged in the layer close to the ectoplasm. Cortical granules जो होते हैं ये Golgi bodies से बनते हैं और ये ectoplasm के बिल्कुल पास में आके arrange हो जाते हैं। They contain mucopolysaccharides required for the synthesis of fertilization membrane during fertilization. और इनका क्या काम होता है cortical granules का? ये Golgi body से जो बने होते हैं ये fertilization membrane को fertilization membrane बनाने में काम करते हैं। Types of yolk, कितने प्रकार का होता है? वैसे तो क्या है इसका main function, क्या होता है? It provides nutrition to the developing egg, ठीक है। एंड ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है और नेचुरल फैट्स का बना होता है। योग एक्चुअली मेनली देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, प्रोटीन योग, फैटी योग एंड ग्रैन्युलर योग। प्रोटीन योग जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, योग प्लेटलेट्स होते हैं, फैटी योग जिसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं जिस लिपोप्रोटीन्स के, और ग्रैन्युलर जिसके अंदर की ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। योग का फॉर्मेशन अगर हम देखा जाए तो ये एक्चुअली नरिशमेंट के लिए होता है एम्ब्रियो के लिए, और ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन जिसको कि हम वाइटैलोजेन कहते हैं उसका बना होता है। वाइटैलोजेन इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल। वाइटैलोजेन किसका बना होता है? फॉस्फिटिन और वन मॉलिक्यूल ऑफ लिपो वाइटलिन का बना होता है। और इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो योग होता है वो हमेशा लिवर के अंदर बनता है, जब उसके अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इन केस ऑफ वाइटैलोजेनिन इज प्रेजेंट इन डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, इज सॉल्युबल बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीन लाइकेज एंड एटीपी, देन फॉस्फोराइलेटेड एंड स्टोर्ड इन द इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द ओवरी।
फिश और एम्फीबियन के अंदर इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, वेयर एज इन इट प्रेजेंट इन लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फिश के अंदर और एम्फीबिया के अंदर ये सॉलिड होता है योग, जबकि बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर ये तरल पदार्थ में योग प्रेजेंट होता है। योग का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, इनके क्या कार्य हैं पित्त के? योग प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो भी योग प्रोवाइड करता है। योग इन्फ्लुएंस द साइज, क्लीवेज, पोलैरिटी, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट एंड ब्लास्टोबियर एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। योग ही डिसाइड करता है साइज एग का क्या होगा, क्लीवेज कैसे होगी, पोलैरिटी क्या होगी, मूवमेंट्स क्या होंगे, ब्लास्टोमास कितने बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द योग। ये एक डायग्राम है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स का, जो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर ओसाइट के बनते हैं। ये आप देखिए इसके अंदर, ये सिंपल है। अगर इसको हम एनलार्ज करें तो आप देखो इस तरह से इसके लूप्स होते हैं, और अगर इसको हम एनलार्ज करें एक लूप को हम देखें तो ये इस तरह से, ये इसकी ये एक लूप है, ये दो लूप है, ये 10 माइक्रोन का होता है। ये सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है ओजेनेसिस का, अंड जनन का क्या महत्व है? इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड ओवम बाय रिलीजिंग 2 or 3 हैप्लॉइड पोलर बॉडीज। ओजेनेसिस हमें एक अंडा मिलता है और 3 पोलर बॉडीज मिलती हैं। मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज रिटेन इन फंक्शनल ओवम, साइटोप्लाज्म ओवम के अंदर रहता है। वेरिएशन में अपीयर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस 1, इसकी वजह से ओजेनेसिस के वजह से वेरिएशन होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के कंटिन्यूएशन में आपके एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एग, अंडे के प्रकार। अंडे के प्रकार हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कितना योग एक अंडे के अंदर प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से देखें। तो अंडे को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रोलेसिथल जिसको हम ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं, मीजोलेसिथल एंड मेगालेसिथल, और मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल, 3 होते हैं, माइक्रो, मीजो एंड मेगा। अब अगर हम माइक्रो की बात करें तो वो अंडे जिसके अंदर की बहुत कम क्वांटिटी में योग प्रेजेंट है, दे आर स्मॉल साइज एग कंटेनिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योग, दीज एग्स आर फाउंड इन हाइड्रा एंड सी अर्चिन। मीजोलेसिथल की बात करें जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, एनलिड वॉर्म्स, मोलस्क और एम्फीबिया में ये प्रेजेंट होते हैं। मेगालेसिथल की बात करें जिसके अंदर के बहुत अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। आप डायग्राम देख लीजिए, एलेसिथल कोई योग नहीं, मियोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल थोड़ा सा, मीजोलेसिथल मीडियम क्वांटिटी, पॉलीलेसिथल फुल ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, पहले तो हमने बात की थी कितनी मात्रा में, अब हम बात कर रहे हैं किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है योग का। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो एग्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। होमोलेसिथल, इट इज इन दिस द अमाउंट ऑफ योग इज सो लिटिल दैट इज इट्स फाउंड स्कैटर्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली थ्रू आउट द एग। पूरे बहुत कम होता है योग, इसलिए पूरे अंडे में पाया जाता है, पूरे अंडे के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। टीलोलेसिथल, दी टाइप्स ऑफ एग हैव पोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग इन द ओप्लास्ट एंड फाउंड इन द मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल जो है वो मीजो और माइक्रोलेसिथल में मिलेगा। सेंट्रोलेसिथल, योग इज कंसेंट्रेट इन द सेंटर, अगर सेंटर के और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा, अगर सेंटर में योग कंसेंट्रेट होगा तो हम उसको बोलेंगे सेंट्रोलेसिथल। ये आप देखिए आइजो, सेंट्रो और टीलो। सेंट्रो के अंदर आप देखिए सेंटर के अंदर योग कंसेंट्रेट है, टीलोलेसिथल एक साइड में, ओनली वन इन वन साइड योग इज प्रेजेंट, ये फिश और बर्ड में होता है। सेंट्रोलेसिथल सेंट्रल में प्लेस्ड है, इंसेक्ट में होता है। आइसोलेसिथल पूरी तरफ प्रेजेंट है, दैट इज पूरी तरफ योग चारों तरफ प्रेजेंट है, ये पाया जाता है सी अर्चिन्स के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल, अब तीसरा प्रकार जो है अंडे का, अंडे के अंदर शेल प्रेजेंट है या नहीं है, ये होते हैं 2 तरह के, क्लीडोइक एग्स एंड नॉन क्लीडोइक एग्स। क्लीडोइक एग्स, एग दैट आर एनक्लोज्ड इन शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनवायरमेंट एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर।
एग्जाम्पल एक्स रेप्टाइल बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियंस। जिन अंडों के अंदर तुमने देखा होगा मुर्गी का अंडा उसके ऊपर शेल होता है, तुमने देखा होगा बर्ड का अंडा उसके ऊपर शेल होता है, इन अंडों को हम बोलते हैं क्लिडोइड एग्स। और जिनके अंदर इन दीज एग मेम्ब्रेन्स आर सॉफ्ट एंड डू नॉट हैव आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव शेल, इनके अंदर अंडा बहुत स्मॉल होता है और ऊपर केवल मेम्ब्रेन होती है, एग मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर शेल नहीं प्रेजेंट होती है, जैसे कि फिशेस के अंडे और एम्फीबियन के अंडे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगी तब इनका क्वेश्चंस आप करिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एग्स एंड प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर गैमेटोजेनेसिस, दैट इज युग्मक जनन। हमने इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस किया, हमने इसके अंदर ऊजेनेसिस किया, हमने इसके अंदर वाइटलोजेनेसिस किया, हमने इसके अंदर टाइप्स ऑफ एग्स किया। सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।